हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं होप करता हूँ दोस्तों आप सभी हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो, जिसमें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दोस्तों नॉर्थ दिल्ली के कुछ रोहिणी एरिया के सेक्टर्स। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और करते हैं आज की जर्नी स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो आप प्लेस देख रहे हैं ये है रोहिणी सेक्टर 10, और यहाँ पे आप राइट साइड में दोस्तों ये है बहुत ही बड़ा स्वर्ण जयंती पार्क, इसको जैपनीज पार्क भी बोला जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रोहिणी की, तो रोहिणी इज ए सब सिटी इन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इंडिया। इट वॉज द फर्स्ट सब सिटी प्रोजेक्ट ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA, विच वॉज स्टार्टेड इन दी 1980s टू प्रोवाइड ए कंपोजिट सोसाइटी फॉर ऑल द इनकम ग्रुप्स। Also friends, Rohini is one of the 12 zones administered under the Municipal Corporation of Delhi. जैसे मैंने दोस्तों बताया, रोहिणी में काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं और आपका ये सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 31 तक दोस्तों यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट सिटी है दोस्तों ये दिल्ली की, लाइक द्वारका। ये हम पहुँच गए दोस्तों रोहिणी वेस्ट के मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से अगर आप राइट जाते हैं तो सेक्टर 6, 7 और 3 के लिए आप जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रेड मेट्रो की लाइन दोस्तों, और मेट्रो भी आप देख सकते हैं जाती हुई, बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर मैं बात करूँ मेट्रो के सराउंडिंग्स की, तो दोस्तों काफ़ी कंजस्टेड एरिया है और काफ़ी ज़्यादा हाईली आपको ट्रैफिक कंजेशन और मूवमेंट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। बट जो कुछ सोसाइटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कोऑपरेटिव ग्रुप ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़, वो काफ़ी ब्यूटीफुल और अच्छी बनी हुई है। अगर यहाँ से आप लेफ्ट जाते हैं तो आप रोहिणी सेक्टर 3 के लिए जा सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं रोहिणी पश्चिम, इसको रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन भी बोला जाता है क्योंकि आपका रेड लाइन पे सिचुएटेड है। और मैं बात करूँ इस रेड लाइन की, तो दोस्तों ये वन ऑफ दी मोस्ट ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट मेट्रो लाइन है दिल्ली मेट्रो की, क्योंकि जिसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 2002 में। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं दोस्तों, ये सिटी सेंटर मॉल है दोस्तों रोहिणी का, और ये यूनिटी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। और आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं ये है दोस्तों आपका अम्बेडकर हॉस्पिटल, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल भी बोला जाता है। और रोहिणी की मैं बात करूँ तो दोस्तों रोहिणी और द्वारका दोनों सिमिलर एरियाज हैं, दोनों ही प्लैंड सिटी हैं दिल्ली की, और बहुत ही ब्यूटीफुल इनको बनाया गया है 1980s में। 1980s के करीब दोस्तों यहाँ पूरा एरिया खेत और जंगल हुआ करते थे, बट उसके बाद यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ एरिया का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ है 1980s के बाद। रोहिणी में मेजरली आपको दोस्तों सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ देखने को मिल जाएंगी, और आप दिल्ली पुलिस का आपको स्टेशन लेफ्ट साइड में, और जेम्स कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा, सेक्टर 3 है ये रोहिणी का। अभी हम जाएंगे रिठाला से होते हुए, अगर आप राइट की तरफ जाते हैं तो आप सेक्टर 11 की तरफ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं रिठाला मेट्रो स्टेशन, बहुत ही सुंदर इसको बनाया गया है दोस्तों, और ये लास्ट मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन का। जैसे कि मैंने बताया आपको दोस्तों, ये लास्ट स्टेशन है रेड लाइन मेट्रो का, और इसके अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो सेक्टर 21, 22, 24 आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, सच एज ऑटोज, रिक्शाज, ग्रामीण सेवा और बसेस की। ये जो लेफ्ट साइड में आप प्लेस देख रहे हैं ये सारा दोस्तों रिठाला गांव, इसको बोला जाता है रिठाला विलेज भी आप बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं मेट्रो की लाइन यहाँ पे फिनिश हो गई है, और आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से मेट्रो आगे की तरफ भी जाएगी, अच्छा सेक्टर 21, 22 बवाना से होते हुए भी इसका प्रोजेक्ट का काम ऑनगोइंग है अभी। अब हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों रोहिणी के सेक्टर 24 में। सेक्टर 24 भी काफी अच्छा बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ इंडिविजुअल फ्लैट्स, हाउसिंग सोसाइटीज और आपको देखने को मिल जाएंगी। यह मेरे लेफ्ट साइड का जो प्लेस देख रहे हैं सेक्टर 24 की बाउंड्री है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा रॉ एरिया है दोस्तों, यहाँ पे
पर डेवलपमेंट भी काफ़ी प्रोग्रेस में है। या मॉर्निंग का टाइम देख रहे हैं दोस्तों, इस टाइम थोड़ा सा आपको फॉग देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ऐसे ही अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, पहुंचने वाले हैं रोहिणी सेक्टर 21, 22 और 23 के लिए, यहीं से रूट जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ से लेफ्ट साइड पर, दोस्तों काफ़ी बड़ा आपको बेगमपुर पुलिस स्टेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ और न्यूली कंस्ट्रक्टेड है दोस्तों, विद मल्टीपल रोड्स। काफ़ी अच्छा 3-लेन 4-लेन वाइड रोड आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, बट काफ़ी सारे इसमें पैथ होल्स हो गए हैं अब, जिसको रिपेयर की ज़रूरत है। तो ग्रीनरी देख सकते हैं दोनों साइड रोड के, बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप रोहिणी सेक्टर 23 जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा दोस्तों आगे से। और अगर एक कूट करके भी विलेज है, जो कि यहाँ से रास्ता जाता है, उसके लिए आप देख सकते हैं बसेज RTVs दोस्तों, इजीली आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की जर्नी हमारी यहाँ फिनिश होती है। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं मुझे। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में।